Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। आज सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को जीतने के बारे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने मंथन किया। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती। वह केंद्र सरकार की विफलता व अपनी सरकार में विकास के नाम पर जीतने की हुंकार भर रही है। सोलन में हुई कांग्रेस की बैठक में शिमला लोकसभा सीट से प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने कहा कि वे कांग्रेस के विकास के नाम पर जनता के बीच जा रहे हैं। वह उन्हें उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में प्रचार हो रहा है और मैं समझता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है कांग्रेस की नीतियों को लेकर और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उनको लोगों में उजागर करने के लिए हमारे सभी कांग्रेस जन रैंक एंड फाइल और जितने भी मैं समझता हूँ कल वाली मीटिंग तो ऑब्जर्वर भी थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आए हुए श्री चहल जी, और मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है किस प्रकार से चुनाव में एक प्रकार से कैसे हम लोगों ने अपने चुनाव की रणनीति क्या उसके टिप्स दिए गए और उसी चीज़ के लिए आज की ये मीटिंग बेसिकली बुलाई गई है। देखिए जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मैं तभी कह रहा हूँ कि मैं तो 35 साल इस सेना में सर्विस करते हुए हैं और 3 युद्ध मैंने भी लड़े हैं। हम अपने से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में या अपनी आर्मी की किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ जो हमारे साथ एक प्रकार से इस वक्त नंबर एक रूप में खतरा पैदा हुआ पड़ा है, उनके बीच में क्या हम कार्रवाई करते हैं इसकी देखा जाए तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना या इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना बेसिकली ये गलत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में और इसका किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण करना अपने में ही बेसिकली एक फॉल्ट लाइन पे हम लोग। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।